अभी हम एंट्रेंस करते हुए। तो ये हमने बैटरी रिक्शा लिया है अब, और वंशिका को ठंड लग रही है। तू भी चलाएगी क्या? क्या हुआ? ठंड लग रही है मुझे, मैं नहीं जा रहा। इंट्रोडक्शन भी नहीं देगी आज ब्लॉग का? नहीं, मुझे ठंडी लग रही है। अच्छा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं वंशिका तोमर ब्लॉग। तो गाइस मुझे बहुत ही ठंडी लग रही है, मेरा कहने का मन नहीं कर रहा, सच्ची मुट्ठी का आदमी है, बिल्कुल मन नहीं है। चला जा, जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मजबूरी है। हाँ तो तेरी इच्छा नहीं थी घूमने की? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पलट गई सर्दी को देख के। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी तैसी। वेरी गुड। हाँ जी वंशिका जी, कहाँ पर हो? हम नोएडा को, सॉरी आगरा एक्सप्रेस वे पे आ गए। अच्छा, तो की तरह लटाने के बाद भूल जाता हूँ और मुझे एसिड बन रहा है। हम निकलने में भी लेट हो गए। एसिड बन गया, एसिड बन रहा जी। चाय पी के तो सुबह पी क्यों थी? मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती मॉर्निंग की चाय। अच्छा, नहीं तो इतनी अच्छी तो नहीं लग रही, पर हाँ अच्छी लग रही है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। चले, मैं लेट हो रहा है। हाँ देखो पापा को देखो। चले, चले। चलो जल्दी चलते, आपको ठंड लग रही है। अच्छा, हाँ अभी तो चढ़े ही एक्सप्रेसवे पे, टाइम लगेगा। 8:30 बज गए थे, निकलते निकलते ही 7 बजे निकलना था। चलो कोई नहीं, पर चलो चलते हैं, बैठो। अरे वंशिका जी, रोड साइड खा रहे हो? ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मेरी ये सब्जी रखी है, पराठे है, इधर स्वीटी भी है, पुलाव खा रही है। पापा देखो कैसे देख रहे। बहुत मजा आ रहा है। मम्मी ने सुबह सुबह पुलाव बना के दी थी। पापा चाय दे दो, चाय दे दो। चाय नहीं दे रहे। हाईवे किनारे खाने का मजा, और धूप कितनी बढ़िया हो रही है, धूप भी अच्छी है। पापा चाय का इंतजाम कर रहे हैं। लो जी चाय, नाप के देंगे ना। हाँ जी वंशिका जी, तो अभी आप पूछ रहे थे सन कहाँ गया, तो सन वो दोबारा से मिल गया, अभी खो गया था। आज मौसम थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है, कैसा लग रहा है मौसम आपको? ठंडी लग रही है। बाहर जब निकले थे ठंडी थी, पर ये वाला मौसम अगर ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, वहाँ पे तब जाता है आदमी। अरे भाई खुले में घूमना, वहाँ का पत्थर कितना गर्म हो जाता है। ये वाला मौसम सबसे बढ़िया घूमने के लिए। देखो कितने प्यारे बादल हो रहे हैं ठंड के साथ, देखो ऊपर। हाँ हम तो नहीं देते। देख वो सरसों, सरसों के खेत टाइम है ना, सरसों का है ना, फूल आ रहा है इस टाइम अभी सरसों का। और ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है, गांवों के बीच में तो काट के बना रखा है, खेतों के बीच में ही। हाँ अभी तो काफी टाइम लगेगा बच्चे जाने में, अभी बोर हो गया ना रास्ते में, एक्सप्रेस वे पे बोर ही तो हो जाते हैं।
दो घंटे के आसपास लग जाएगा। देखो मत अभी दिखाएगा, देखो कितने किलोमीटर है यहाँ से है आगरा 141 किलोमीटर। चलो जी चलते हैं, चले आप गाड़ी चला के दिखाने एक बार, ऐसी चला दे वर्चुअल। ठीक है, ये हम पहुंच चुके हैं आगरा और वंशिका जी सो रही है। एक मिनट, फोन आ रहा है वंशिका के, एक पार्सल वाले का फोन था। हाँ जी, ये कुत्तों के बिस्किट खिला रही है स्वीटी, यहाँ पे कुत्ते भी है आसपास, हमने जैसे गाड़ी रोकी, बहुत अच्छी बात है, खिलाने भी चाहिए हमारे पशुओं को। वंशिका तो नींद में है बच्चे, नींद आ गई थी, अभी होश आया या अभी भी नींद में ही है? चलो भाई और सोए गए, घूमने चले चले। देखो इसका चेहरा, देखो कितनी नींद में है। ये पीछे स्वीटी, ये पीछे पापा, क्या कर रहे हो जी? पापा थोड़ा बोलने में कम विश्वास रखते हैं, अब लोग में आके शर्मा जाते हैं ना। पापा कह रहे ये बेकारी बात ना करे करे, तो अच्छी बात आप कर लो। शर्मा के देख, तिरछी नजरों से देख। उनके लिए बिस्किट दे रहे पापा, आप खा लो ना। पापा ने बिस्किट पहले तीनों बच्चों को पूछा, उसके बाद अब खा रहे। चलो अच्छी बात है, चलो अब चलते हैं। एक बार मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसका अभी करते हैं। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं वंशिका तोमर व्लॉग्स की तरफ से। वंशिका अपने बाल ठीक कर रही है और हम आगरा पहुंच चुके हैं, पार्किंग में है इस टाइम। हाँ जी हो गया सब सेट, चले अब। ये पापा भी चश्मा लगा के एकदम सेट। चले चलो चलो इधर से चलना है, चलो आ जाओ इधर से चलते हैं। शिका जी पोज देती हुई, और ये पापा हो, यस कैमरामैन, कैमरामैन कृपाल मलिक के साथ। पापा कैमरा आता हुए लेके फिट है मामला पूरा। पापा ने बोल दिया और अब आप इसी सीन को व्लॉग में देखेंगे। आपको मेरी आदत क्यों पता है, फिर भी आप नहीं करते हो, कहाँ है? पिटाई मांग रही है कैमरामैन कृपाल मलिक के साथ। चलो अब बैटरी की रिक्शा लेंगे। तो ये हमने बैटरी रिक्शा लिया अब, और वंशिका को ठंड लग रही है, तू भी चलाएगी क्या? इधर तो स्वीटी के बाल कैसे उड़ गए, और ये हमारे पापा कैमरामैन बनते हैं, कृपाल मलिक कैमरामैन सपोर्ट में। बस आप पैसे लगा दियो, उनसे आज पापा के पैसे खर्च करवाने लग रही है। और स्वीटी कह रही है यहाँ पे टॉयलेट करने के भी पैसे देने पड़े, ₹5। जो मेरे पास नहीं थे, एक बहुत ही भले अंकल थे, उन्होंने मेरे पैसे पे कर दिए। ये 500 का, 500 रुपए का नोट लेके घूम रही वहाँ पे, 5 रुपए खुलवाने के लिए। चलो जी ठीक है, हेड देख रही है व्हाइट वाली, ये वाली एकदम ऐसी वाली व्हाइट देख रही है, ये वाली ये भी यहाँ पे ईस्ट गेट पे ही है, ये यही है लगा के देख। वंशिका की हेड कैसी लगी? वंशिका इधर देखो, वंशिका ने हैट ली है, और अब ये आदमी को आदमी नहीं मानती इस टाइम। अब एटीट्यूड आ गया इसके अंदर, चलो एटीट्यूड दिखाओ थोड़ा। अच्छा ये ताजमहल की गलियों में एक हसीना जाती हुई। वेरी गुड,
ये आ रही है हमारी जनता, वंशी का ऐड लगा के पापा ये पैसों का बैग ले रहे हैं इस टाइम। स्वीटी अपना फोन में उलझी हुई है और ये रही ताजमहल की सड़क। चलो जी, एक रिक्शा वाले ने पागल बना दिया हमारा। कैसे पागल बना वंशी का यार, 50 रुपए ले लिया हमसे। हाँ। है, और पता है बिठाया और उतार दिया। पता डबल। चलो अब चलते हैं। अब ये देखो ये मार्बल शॉप है, मार्बल से बनी हुई प्लेटें वगैरह है। हाँ ये काफी अच्छी अच्छी प्लेटें है। हाँ ये पूरी यहाँ पे मार्केट है और ये एंट्रेंस आ गई ताजमहल की। चलो अब एंट्रेंस करते हैं। अब चलो मार्केट कब देखेंगे? मार्केट आते टाइम देखेंगे, मैं कह रहा हूँ एंट्रेंस करते हैं। हो जाता है, घर में कई बार गलती हो जाती है। लाइन में लग चुके हैं, काफी लंबी लाइन है। नहीं करते पापा, काफी लंबी लाइन है। ये इधर भी मार्केट है, रेस्टोरेंट भी है। पर हम तो भाभी यहाँ पे हर पिलर पे पान की पीक जरूर पड़ी हुई है। हर पिलर पे पीक लगी हुई है, देखो इधर भी है, हर पिलर पे बड़ी गंदगी मचा रखी है। स्मेल भी आ रही है गंदगी। चलो लाइन में लगते हुए अब अंदर घुसने के बाद दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, आज काफी रश है, काफी देर हो गई ना वंशिका लाइन में। परम मंदिर के करीब बस अब नजदीक आ गए हम। वो लिख रहा ताजमहल एंट्री। अच्छा ये बाहर से रेड रेड है, अंदर से वाइट है। हाँ अभी देखना, ये तीनों पापा स्वीटी और वंशिका ये तीनों अभी तक आए नहीं थे, इनका फर्स्ट टाइम विजिट है। मेरा तो है 5 और 6। अब धूप कितनी अच्छी निकल रही है ना, सुबह देख के ऐसा लग रहा था रास्ते में जैसे कि निकलेगी नहीं, ठंड रहेगी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही होगी। बादल बादल वाला मौसम हो रहा था सुबह, अच्छा हो रहा है। ओके इतने धीरे बोल रहा था कि शोर की ज्यादा आवाज आ रही थी देर से। अरे यार ज्यादा एनर्जी से चली गई, ये पता नहीं क्यों। अच्छा एनर्जी आएगी दोबारा से। इसके बाद वंशिका हमारी सबकी एंट्री हो चुकी है। बहुत युद्ध लड़ना पड़ा इसके लिए। आ जाओ, ये देखो हम यहीं पे लाइन में लगे हुए थे। अब काफी चेंज कर दिया है यहाँ ताजमहल का, जब मैं लास्ट टाइम आया था काफी उससे काफी चीज बदली हुई है। मतलब ये सब नहीं था, ये कवर्ड नहीं था, ओपन में था। ये इस टाइप की लगी हुई थी, यहाँ पे नॉर्मल बैरिकेड लगे हुए थे। हाँ तो तब देखते होंगे उसी वजह से करे है। चलो चलते अब। ये बहुत पुराने पुराने फोटो, ये 1884 का है, सन के हिसाब से फोटो दिखा रखे है ये 1899 1901, ये सन के हिसाब से फोटो दिखा रखे है। देखो नहीं, कुछ ना कुछ रेनोवेशन चलता रहता है ना। हाँ जी चलो वेलकम टू, देखो हाँ डिजाइन सेम है। देखो उधर से बोला ताज वाइट कलर का, बस यहाँ पे कोई स्पेशल है ना। हाँ अभी देखते हैं अंदर जाके। लोग इसको देखने आते हैं ना। बिल्कुल ये पेड़ किस चीज को कितना बड़ा है। हाँ हाँ तो ये काफी पुराना होगा, नीचे को लटा देखो। भीड़ काफी है ना वंशी। चलो अब एंट्री करने वाली है। चलो चलो चलो, और अभी हम एंट्रेंस करते हुए अब हम आ चुके हैं। वंशिका दिखाओ कहाँ पे है वो रहा ताजमहल, बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो इधर देखो एक बार, फोटो में लगता है, देखने में लग रहा है, उसको
साथ तो लेके नहीं जा सकते। हाँ ऊपर से धूल ज्यादा हो रही, बारिश नहीं हुई ना बहुत दिनों से। हाँ हाँ जी बंशिका जी, ये रहा ताजमहल। बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। हाँ ऐसे दिख रहे हैं मक्खी मक्खी से। हाँ बहुत भीड़ है। चले अभी ताजमहल के नजदीक चलेंगे, वो वहाँ पे पापा हमारा वेट कर रहे हैं, हो रहे बड़ी दूर है। हाँ अब ये चलो चलते हैं वहाँ पे। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा पानी नवाजों के लिए नहीं है ये जगह, नवाजो जो नवाज पढ़ता है उनके लिए है, बट इस पानी में पैर नहीं डालना है ये लिखा है, कृपया पानी में पाव ना डाले। यहाँ पे तो मैं अंदर जाने नहीं दे रहे, इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से देखो, अलग ही व्यू आ रहा है देखो। बिल्कुल तेरे हाय अंदर नहीं जा रहे हाँ, अंदर का मैं पता ही नहीं था टिकट का, यहाँ पे अलग टिकट बता रहे हैं, पता नहीं मैं लास्ट टाइम आया था जब तो नहीं था ऐसा। कैसा लगा, कैसा लगा? इतने टाइम बाद देखा है, इतने टाइम बाद ही देखा है। भीड़ बहुत है आज, पता नहीं ऐसे पहुंची। देखो ये मस्जिद है, ये हाँ ये भी मस्जिद ही बना रखी है। ऐसे तो ना यहाँ पे चार गेट्स बन रहे हैं, काफी सारे गेट हैं, मैंने तो देखे नहीं, मैं तो हर बार इसी गेट से आया हूँ। उधर की साइड यमुना है, आ जाओ यमुना की साइड चलते हैं। चलो अब मैं बिल्कुल यमुना के जस्ट पास खड़ी हुई हूँ और बहुत मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा सा आ रहा है एकदम, बहुत अच्छा सा लग रहा है एकदम, पानी शांत शांत सा, सब अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पब्लिक है यार, कदर लोग हैं, कितना शांत पानी है, कितना प्यारा लग रहा है। और पता है इसमें डक्स भी है अंदर बैठे हुए। सो गाइस ये देखो ये तीनों वीडियो बनवाई, मतलब इनको नहीं पता है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, और ये लोग खड़े हुए हैं आराम से ये सोच कर कि इनका फोटो खींचने वाला है, और जबकि इनकी वीडियो बन रही है। हाँ ये सारे क्लोज करके दिखा, मैंने ये चीज तब देखा थी, मैं इसको बहुत ध्यान से देख रही थी कि शायद कुछ इनका लिखा होगा, उर्दू में लिखा हुआ है। तुम्हें नहीं आती ना उर्दू पढ़नी? नहीं, कमल का फूल नहीं दिख रहा आपको? कहाँ है कमल का फूल? काफी जगह है। अच्छा वो जो सीनरी बन रखी है इसमें है कमल, ये तो हम पहले ड्रॉइंग करते थे ना, इस टाइप की चीजें ड्रॉइंग में आती थी हमारी बनाने के लिए, क्या बोलते थे इनको, साड़ी की किनारी कढ़ाई क्या क्या उल्लेख पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, त्रिकोणमिति में आते थे ना क्योंकि इस टाइप की चीजें बनती थी। और क्या है कमल ढूंढो, कमल कमल ढूंढो, कमल वोरा, कमल कमल ढूंढो, बस वैसी डिजाइन में बन रहा है। और ये जो पैसे पत्थर है इस पे कोई डिजाइनिंग है या ये फिर नेचुरली कट किया गया है? नेचुरली कटिंग है ये। इसके बाद उन्होंने कुछ बनाया नहीं ना जिनसे ये बनवाया था? नहीं, हाथ काट देते हैं, बात सच्ची है, कह नहीं सकते, भारत का आधा इतिहास झूठा है। ये बात कह रहे हैं कि उनको इतना सारा पैसा दिया था, एक गाइड बता रहे थे इतना सारा पैसा दिया था उनकी फैमिली को, फिर बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा चलो अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है चले अब। और ये वंशिका के पैर दुख गए हैं चलते चलते, काफी चलना हो गया, काट लिया देखो पैरों की हालत। वंशिका फेस ऊपर करना भाई, आज इसकी हेड बड़ी प्यारी लग रही है, जो बात बड़ी प्यारी बच्ची। तो गाइस हम पूरा घूम चुके हैं, हम जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ
हाँ अभी निकलना शुरू कर रहे हैं, अभी निकलते निकलते भी टाइम लगेगा। और हम निकल रहे और यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आज क्रिसमस का दिन भी है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। गाइस कमल पानी पी रहा है, यहाँ बिल्कुल शुद्ध साफ पानी मिलता है, है? कैसा लगा पानी ली? यमी। ये पानी भी यमी होता है। हम जा रहे ताज म्यूजियम में, हम जाने लग रहे थे बट तो हमें ये दिख गया, हमने सोचा इसको देखने दोबारा, बिल्कुल इसको भी देख के मिलते एंट्री फ्री। चलो अंदर, शायद फोटोग्राफी अलाउड ना हो, देखते हैं बाकी चलते हैं। चलो पंछी का कहाँ बैठी, गिर जाएगी उतर, देख ले म्यूजियम देख ली तलवारें। पापा पापा तो बहुत पहले क्या, देख के आ गए, अब बाहर पड़ रहे हैं। क्या क्या देखा तुमने? मैंने सिर्फ तलवारों पे ध्यान दिया नहीं, तलवार मेरी पसंदीदा चीज है ना, तलवारों के अलावा कुछ नहीं था, तलवार देखी मैंने। चलो अब चलते हैं बाहर की तरफ को, कौन सी दिशा में जाना तू बता, उधर ही जाना है पक्का? चलो चलते हैं फिर, लेट्स गो। पूरा तरीके से बाहर अभी नहीं आए हैं, बस अब एग्जिट होने वाले हैं, वहाँ पे भीड़ है बहुत ज्यादा मक्की से, तो वहाँ पे शायद कैमरा ना निकाल पाए। अभी ताजमहल को यही से बाय बाय बोलते हैं, बोल दे, बोल लिया था मैंने पहले, अब दोबारा बोल बाय बाय ताजमहल, बस बाय बाय हो गई। ये स्वीटी भी बड़ी तेजी में निकलती हुई, हमारे पापा आ रहे। चलो पर आज जो है वंशी क्रिसमस के उसमें भीड़ ज्यादा है, सब बेल ले हमारी तरह मैं पहले भी आया पर आज ज्यादा भीड़ देखी। हम बस निकल लिए, चले चलो एग्जिट इधर से, चलो ओके टाटा। चलो इसे बाहर आ चुके हैं, निकाल के फेंक दिया, स्वीटी भी आ गई, अब चल रहे अब हम बाहर की तरफ को। चलो चलो चले चलो, सबसे ज्यादा भीड़ है अभी इस टाइम। चलो वंशी पीछे देखो, देख ऊपर स्काई देख कितना अच्छा आ रहा है, आ रहा है ना देखो। हम पार्किंग में आ चुके हैं वंशिका जी, अब हम यहाँ से निकल के एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर खाएंगे वंशिका की पसंद का, क्योंकि वंशिका जी की आज इच्छा है बाहर का खाने की, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों से इसने नहीं खाया, देखते हैं बिल्कुल रखी जाएगी अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखते ही। फिलहाल गाड़ी के पास चलते हैं, हालत मेरी भी बहुत ख़राब हो चुकी है पैदल चल चल के, तो अब हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, स्वीटी भी आ गई, पापा भी, पापा के पास चाबी है, पापा खोलो, चलो गाड़ी में बैठते हैं। टन टन खुल गया, चलो बैठो। तो अब हम आए हैं आगरा के मशहूर पंछी पेठा पे, पेठा खरीदने चले पंछी, देखते हैं यहाँ का, सर में दर्द हो गया, चलो अब कुछ खाएंगे, अभी खाएंगे एक बार यहाँ पे अच्छे से पेठा देख ले, फिर लेके चलते हैं उधर, स्वीटी भी आ रही। तो वंशिका ने कौन सा लिया है, अंगूरी केसर पेठा, ये स्वीटी के हाथों में है, तो चलो चलते हैं, यहाँ पे बहुत वैरायटी के पेठे हैं पंछी पेठा पे, आ जाओ चलो। आइए वंशिका जी, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो वंशिका भी यहाँ पे दिख गई, सब सब रेस्टोरेंट में जो छोटी है जो बड़ी है, एक नैप तो ले ली ना, एक नहीं दो ले लिया, देखो तो जा रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है और मैं वाइट सॉस पास्ता खाने वाला हूँ। अभी वंशिका ने अपना वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया है यहाँ से पिज्जा हट के से ही, और अभी हम क्या कहते हैं मथुरा के आसपास है कहीं, अभी हाँ मथुरा के आसपास है, अभी यहाँ से पीछे से मथुरा का कट था,
और अब हमारे फोन की भी बैटरी डाउन हो चुकी है, तो हमें नहीं एक बार पास्ता दिखा के करेंगे ना, पास्ता खिलाएंगे अपने व्यूअर्स को। ठीक है, ओके गाइस अब जाते हैं। तो वंशिका का पास्ता आ चुका है, खाइए, देखते हैं कैसा है। ये खुला भाई, वाह एकदम यम्मी पास्ता लग रहा है भाई इनका। कुछ नहीं, क्रीम बहुत कम है। अच्छा नहीं, ऊपर से तो यम्मी लग रहा है ये, बस ऊपर ही रखा जो रखा है। तो चलो अब टाटा बाय बाय बोल दो, आप कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट करूँ, देखो भाई खाने में कितनी बिजी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पेज को चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए और कमेंट भी करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं आईडी मेंशन करता हूँ क्योंकि एडिटिंग इसकी मैं ही करता हूँ। ठीक है, बाय बाय तो बोल दे। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।